नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो विराट कोहली का हर कोई जो है 71वें शतक का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली पिछले 3 सालों से कोई भी शतक नहीं लगा पाए हैं। तो इस समय विराट कोहली अपने करियर के सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो विराट कोहली की हर तरफ आलोचना हो रही है, वही कुछ फैंस तो उन्हें संन्यास लेने की सलाह भी दे रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान जो है बाबर आजम ने भी विराट कोहली का मनोबल बढ़ाया है और उन्होंने विराट कोहली के सपोर्ट में लिखा है कि यह समय भी गुजर जाएगा, हौसला रखें। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने शुक्रवार रात एक सोशल पोस्ट में रात 12:30 बजे एक पोस्ट में लिखा कि ये समय भी गुजर जाएगा, हौसला रखें। तो बाबर का यह पोस्ट जो है खूब पसंद किया जा रहा है। इस पर सोशल जो है मीडिया पर फैंस पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तारीफ भी कर रहे हैं। तो बता दें कि रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली कुछ समय से रनों के लिए जूझ रहे हैं। तो 2019 के बाद से उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है। ऐसे में क्रिकेट पंडित जो है उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो उनकी आलोचना करने वालों में कपिल देव, वेंकटेश प्रसाद भी शामिल है। तो कोहली से जो है होती रही है बाबर से तुलना। तो यहाँ बता दें कि हमेशा से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से होती रही है। तो बाबर इस समय गजब के फॉर्म में है। वे T20 और वनडे रैंकिंग के टॉप पर है और टेस्ट में नंबर 4 पर है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कमेंट सेक्शन के एक्सपर्ट लोगों की क्या राय है। तो विराट कोहली के बारे में एक यूजर ने लिखा कि लगता है बाबर आजम जो है विराट कोहली को ISI का एजेंट बनाकर ही छोड़ेगा। नेक्स्ट यूजर ने लिखा कि उस कब से ही विराट ने जो है अपनी जिम्मेदारी बाबर के कंधों पे हाथ रखकर दे दिया है। एक और नेक्स्ट यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भाई एक समय अकेले किंग कोहली पूरे टीम को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, आज जब उसका फॉर्म कुछ गड़बड़ हो गया है तो आलोचना कर रहे हो, बाकी के 10 टीम में जो है प्याज छील रहे हैं। याद रखो शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलते हैं। फिलहाल दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।